प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। आज हम लोग पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। ये मॉडल नील्स बोर ने दिया था। इस मॉडल में उन्होंने क्या क्या बातें कही, देखो शुरू के तीन पॉइंट तो बड़े सिंपल उन्होंने कहे। पहले पॉइंट में उन्होंने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट क्या है, एटम में तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रिपीट करो, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि एटम में तीन पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर। तो सेकंड पॉइंट कन्वर्ट करो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट्स। नंबर थर्ड, उन्होंने कहा प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, यानी जीरो चार्ज है। तो थर्ड पॉइंट पे उन्होंने कहा प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज व्हाइल न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। तीन पॉइंट मैंने समझा दिए हैं, एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर पॉइंट नंबर 4 to 8 तक लेंगे। टोटल 8 पॉइंट हैं, 3 समझा दिए, 5 आगे बता रहा हूं, पहले 3 को रिपीट कर लो। पॉइंट नंबर 1, एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम में तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर 2, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज व्हाइल न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज एट ऑल। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, उन्होंने बोला पॉइंट नंबर 4 में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ है। न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सर्कुलर पाथ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर है सर्कुलर पाथ और इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या बोला उन्होंने पॉइंट 4 में, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सर्कुलर पाथ और इन सर्कुलर पाथ में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दिया शेल, या इसका दूसरा नाम है ऑर्बिट। क्या नाम दिया, शेल और ऑर्बिट। पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा कि इन शेल को डेजिग्नेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, के एल एम एन ओ, अगली होगी तो पी क्यू आर एस टी, है ना, ये अगली बात कही। तो पॉइंट नंबर 4 और 5 का इंग्लिश वर्जन सुनो, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड एज शेल्स और ऑर्बिट। तो पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने शेल और ऑर्बिट की डेफिनेशन दी। पॉइंट नंबर 5, शेल्स आर डेजिग्नेटेड एज के एल एम एन ओ पी क्यू डैश 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 फ्रॉम सेंटर टू पेरिफरी, यानी कि शेल के नाम के एल एम एन ओ पी क्यू आगे एंड सो ऑन तक हैं, लेकिन ये गिनती कहां से शुरू हो रही है, सेंटर से बाहर की तरफ, यानी के कहां है, न्यूक्लियस के पास, यानी जो ये नंबरिंग करनी है के एल एम एन ओ पी, ये आपको सेंटर से बाहर की तरफ करनी है, यहां से शुरू होकर इधर चलेगी, है ना। तो पॉइंट नंबर 4 और 5 समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 4 रिपीट करो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट। पॉइंट नंबर 5, शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय के एल एम एन ओ पी डैश 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 फ्रॉम सेंटर टू पेरिफरी। शेल्स को किससे डेजिग्नेटेड करते हैं, के एल एम एन ओ पी से। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 5वां। पॉइंट नंबर 6 में बोला किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² है। किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² है। जैसे अगर पहली शेल है तो 2 × 1²
यानी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी शेल है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरी शेल है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और चौथी शेल है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में नहीं आते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 में बोला द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। इट मींस फर्स्ट शेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ शेल कंसिस्ट ऑफ 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मिस्टर नील्स बोर। ओके, कितने पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों? 6 पॉइंट क्लियर हो गए, यहां तक सही है। 7वें पॉइंट में उन्होंने बोला जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रहेगा उसकी एनर्जी ना घटेगी ना बढ़ेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रहेगा उसकी एनर्जी ना घटेगी ना बढ़ेगी। लेकिन अगर वो अपने से ऊपर वाली शेल में जाता है यानी यहां से यहां पर, तो एनर्जी बढ़ेगी। और अपने से नीचे वाली शेल में जाता है इधर यानी यहां से यहां पर, तो एनर्जी घटेगी। यानी कि जब तक अपनी शेल में रहोगे एनर्जी सेम रहेगी, अपने से ऊपर वाली में जाओगे बढ़ जाएगी, अपने से नीचे वाली में जाओगे घट जाएगी। मान लो आप थर्ड शेल में हो तो थर्ड से फोर्थ में गए एनर्जी बढ़ गई, थर्ड से सेकंड में गए एनर्जी घट गई। लेकिन अगर थर्ड का थर्ड में ही बने रहोगे कितने भी सालों तक तो एनर्जी वो ही रहेगी। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कॉन्स्टेंट वेन इट रिमेन इन द सेम शेल, बट वेन इट चेंजेस इट शेल इट्स एनर्जी कैन इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, ये पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 7। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या है एंगुलर मोमेंटम? क्या चीज? एंगुलर मोमेंटम ए डॉट एम, वो एनएच ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनएच ओवर 2 पाई। एन का मतलब कौन सी शेल है? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। एच का मतलब एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। क्या नाम है? प्लैंक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है कौन? एच। जो एच एक क्या है? कांस्टेंट। 2 जानते ही हो, पाई जानते ही हो, 22/7। एच की वैल्यू क्या होती है? 6.626 10^-34 जूल सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। तो एच की वैल्यू है 6.626 10^-34। तो उन्होंने टोटल कितने पॉइंट कहे? 8। आठों पॉइंट को सुनो हिंदी इंग्लिश में। पहला पॉइंट, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम में 3 पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पॉइंट नंबर 2, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आउटर स्पेस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर। पॉइंट नंबर 3, प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज व्हाइल न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज एट ऑल। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिन्हें शेल या ऑर्बिट कहते हैं। नंबर 5, शेल्स आर डेजिग्नेटेड बाय KLMNOP --- फ्रॉम सेंटर टू पेरिफरी। शेल्स को KLMNOP से लिखते हैं सेंटर से पेरिफरी की तरफ जाते समय। पॉइंट नंबर 6, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर बट मोर देन 32 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल इन एनी शेल। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है लेकिन 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में नहीं आते हैं। पॉइंट नंबर 7, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कॉन्स्टेंट वेन रिमेन इन सेम शेल बट इट्स एनर्जी चेंजेस वेन इट चेंजेस इट्स शेल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समान रहती है जब तक वो अपनी शेल में रहता है,
लेकिन उसकी एनर्जी बदलती है जब वो अपनी शेल को चेंज करता है। जब वो अपने से ऊपर वाली शेल में जाता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, अपने से नीचे वाली में आता है तो एनर्जी घट जाती है। पॉइंट नंबर 8 एंड लास्ट, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH ओवर 2 पाई के इक्वल होता है। यहां पर N शेल है और H प्लैंक कांस्टेंट है। इंग्लिश में कन्वर्ट करो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय NH ओवर 2 पाई। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, वेयर N रिप्रेजेंट शेल एंड H इज अ कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.626 10^-34। प्यारे बच्चों, बोर मॉडल में, नील्स बोर मॉडल में कितने पॉइंट थे? 8। कितने थे? 8 पॉइंट थे। कितने? 8। आपको उम्मीद है 8 पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने उनके हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों बताए हैं। डायग्राम देखें, ये शेल्स को, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स है। शेल्स को किससे दिखाया गया है? KLMNOP से। 2N स्क्वायर समझ ही गए हैं आप। इसके साथ आपका बोर मॉडल खत्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे नए वीडियो में बोहर मॉडल की एप्लीकेशन और बोहर मॉडल के ड्रॉबैक। तो कल का वीडियो कंसिस्ट करेगा बोहर मॉडल की एप्लीकेशन को और बोहर मॉडल में क्या कमियां हैं। बच्चे कह रहे होंगे बोहर मॉडल में भी कमियां हैं। यस, उसमें भी ड्रॉबैक हैं जो आप कल पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन और ड्रॉबैक। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सारे वीडियो को देखते होंगे और आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज बेटा कॉम्प्लीमेंट दें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट भी करें, आपका स्वागत है सुझाव देने के लिए। और अगर डाउट है तो व्हाट्सएप पे जरूर पूछें। कुछ बच्चे स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके आंसर देने पे। एक बच्चे ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि सॉलिड लिक्विड गैस में से किसकी शेडो कास्ट होती है। तो बेटा इसका प्रॉपर आंसर था सॉलिड की शेडो जरूर कास्ट होती है। लिक्विड में जो लिक्विड कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनकी शेडो कास्ट होती है, ट्रांसपेरेंट की नहीं होती है। और गैसेज में शेडो कास्ट नहीं होती है। बेटा शेडो वहीं पर कास्ट होती है जब कोई लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर लाइट आगे निकल गई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो शेडो कास्ट नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।